देखो मैनू पहली गल तो ब्रह्म जी की जी स्टेटमेंट आई है कल उन्होंने कहा मैं बहुत अफसोस होया ब्रह्म जी का और कैप्टन साहब का अपने घर का पटियाले हाउस का पटियाला हाउस का सिर्फ 150 गज का फासला सीगा ते 2016 दे विच उस फासले नू खत्म कर ली सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पहलकदमी की सी ब्रह्म जी दे घर दे विच 150 गज का ब्रिज बन के सुखजिंदर सिंह रंधावा कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्होंने घर च लैके गया सी बड़ी मंदभागी गल आ कि जिहड़ी कल ब्रह्म जी ने स्टेटमेंट दित्ती हमेशा 72 तो लैके अज तक ब्रह्म जी और साडा परिवार इकट्ठा और असी एक कांग्रेसी परिवार होने के नाते मेरे ख्याल साड़ियाँ बहुत ज़्यादा आपस में सांझा भी ने ते जिस वेले उन्होंने गल की आ ते मेरे मन में ठेस पहुँची आ दूसरी चीज जी कैप्टन साहब ने गल की आ हाई कमांड के जेडे ऑर्डर ने उन्होंने एक किस्म का चैलेंज किया गया हाई कमांड के सोनिया जी और हरीश रावत की मीटिंग तो बाद अगर ये चीज़ा कैप्टन साहब के दिमाग चीगियाँ मन चीगियाँ उन्होंने कैटागोरिकली उत्थे कह देना चाहिए सी कि मैं एक्सैप्ट नहीं करांगा जिनी देर नवजोत सिंह सिद्धू आ चीज़ा नहीं करता जिस वेले प्रेजिडेंट बन गया तो उस वेले कांग्रेस पार्टी वो डिसिपलिन मनना पेगा जो राहुल गांधी ने गल कही आ कि कांग्रेस के डरपोक तो कांग्रेस की पिठ जी छुरा मारन वाले तो इनडिसिपलिन पैदा करने वाले की कोई थान नहीं तो इसलिए मैं एक बेनती करनी चाहना कि एक साड़ी कांग्रेस हाईकमांड का डिसीजन आ उस डिसीजन के उत्ते सानू सारे नू खड़ा होना पेगा उहदे च सानू सारे नू भूमिका निभाउणी पेगी हाँ जे ब्रह्म जी ने कहा हुंदा नवजोत सिद्धू नू कि मैनू दस्सिया नवजोत सिद्धू ने कि मैं टैलीफोन किया सानू अज लोड़ आ कांग्रेस डिसिपलिन पैदा करन दी जिहड़े इनडिसिपलिन करदे उहनां दी कोई थां नहीं उधर जे देखो पंजाब दे इशूज की गल है क्योंकि ये इन्ना सौखा नहीं है क्योंकि सानू पंजाब दे इशूज की गल करनी चाहिए आ ना कि सानू परसनल ईगो की गल करनी चाहिए आ नहीं नहीं हो सकता मैं तो कहना भी एक ऑर्गनाइजेशन का हैड आ एक सरकार का हैड आ और इन दोनों हैड्स नू कट्ठे करके ही गां तोरन की जरूरत है नहीं बिल्कुल माफ़ी किस काम की माफ़ी मेरे कहने का मतलब पब्लिक इशू नहीं है मैं तो फिर इतों तक भी कहा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह क्योंकि असी इशूज नहीं सॉल्व किए तो कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लोगों को माफ़ी मंगनी चाहिए है ये देखिए ये कांग्रेस हाईकमान का मामला है हम लोगों का नहीं है कांग्रेस हाईकमान इन दोनों के बीच में जो भी डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करेगी हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के सिपाही हैं कांग्रेस के एमएलए हैं कांग्रेस के लोग हैं कांग्रेस के लोग अपने प्रधान की काल पे जाएंगे यहाँ कोई गुट नहीं है कांग्रेस के लोग अपने मुख्यमंत्री की काल पे जाएंगे यहाँ कोई गुट नहीं है दैट इज देयर डिसीजन वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज ही इज टू टेक अ डिसीजन ही इज टू टेक अ कॉल व्हाट इज टू डू सो असी तां ये विच करते हैं गुरु महाराज के घर चले हैं कि जिहड़ा रेड़का थोड़ा बहुता रह गया है ये जल्दी खत्म होवे तां कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी एकजुट होकर इलैक्शन लड़ीए ते आपां सरकार बनाईए मामला जिहड़ा सिद्धू साहब दे लैवल तो उपर दा होगा वो हाई कमांड जो कहेगी वो सब हो जाएगा नवजोत सिद्धू ने कोई गुनाह किया माफ़ी क्यों मंगेगा कि गुनाह भाई कोई माफ़ी मंगने की जरूरत नहीं ए बारे मेरी कोई राय नहीं थी मैं कुछ नहीं कह सकता इसके ऊपर टिप्पणी करना तो मेरा वैसे कोई बनता नहीं है वैसे जितना मैं कैप्टन साहब को जानता हूँ उनका बहुत बड़ा दिल है अभी कोई अगर उनके मन में कोई बात है वो भी जल्दी दूर हो जाएगी और इकट्ठे होकर कांग्रेस जरा इलेक्शन लड़ेगी देखो कैप्टन अमरिंदर सिंह साढ़े बहुत सत्कारयोग है मेरे मुख्यमंत्री ने मेरे बॉस है और मैं उन्हों की किसी गल से कोई कमेंट नहीं कर सकता परिवार के बिच एकजुटता हमेशा ही रही है हूँ भी होजूगी थोड़े बहुत जे डिफरेंसेस हो जाते कई बार पर मैनू नहीं लगता कोई डिफरेंसेस है पावर ही अलग अलग ने वो मुख्यमंत्री ने यह जी पार्टी ने महाराजा अमरिंदर सिंह जी का कद बहुत वड्डा है सो दिल बहुत वड्डा है होना चाहिए है सो माफ़ी वाली कोई ऐसी गल नहीं है लेकिन हाँ मैं लगता कि थोड़ी दोनों च नाराजगी है जल्दी ही उस नाराजगी का हल निकल जाएगा हाईकमांड एरिए उससे पूरी निगाह बनाए है
सो मैं लगता कि जल्दी ये कोई ना कोई हल निकल दरबार साहब दुर्गाना मंदिर अच्छ मत्था टेकन जा रहे हैं माफी कर दी माफी की है पार्टी का हुक्म है जी ये पार्टी का हुक्म है दोहे बहुत सीनियर साडे नेता हैगे आ दोवां च बड़ी फराक दिली हैगी है ये आपस च माड़ा मोटा मिसअंडरस्टैंडिंग है जिहड़ी रिजोल्व हो जानी है कोई